आदरणीय योगेंद्र उपाध्याय जी, जिला के अध्यक्ष हमारे माननीय रूपेश गुप्ता जी, हमारे जिला के महामंत्री भाई प्रदेशचंद वर्मा जी, दूसरे महामंत्री हमारे सुनील रावत जी, अभिषेक वाजपेयी जी, राजीव प्रताप सिंह जी, राहुल राजभवन जी और हमारे संचालन कर रहे हमारे सामने बैठे हमारे मीडिया से, सोशल मीडिया से जुड़े हुए सभी सम्मानित बंधुओं, नौजवान साथियों, हमारे यहाँ के बीच में जो मुख्य अतिथि आए हैं और हमारे माननीय मंत्री जी आए हैं, वो आपको भी आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि सांसद जी सुरेश कश्यप जी, यहाँ के सांसद श्री मुकेश राजपूत जी, आपके जिलाध्यक्ष श्री रूपेश गुप्ता जी, श्री फतेह चंद जी, श्री सुनील रावत जी, श्री राहुल राजपूत जी, श्री संदीप शाक जी, श्री अभिषेक वाजपेयी जी, श्री राजीव प्रताप सिंह जी उपस्थित आईटी से जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं। कोई भी क्रांति या जो कहिए परिवर्तन सफल कब होता है या क्रांति का क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बरसों की सड़ी गली जो चली आ रही थी सरकारें, उसको बिल्कुल जब आमूलचूल परिवर्तन हुआ और एक बहुमत की सरकार इस देश में स्थापित हुई, तो एक क्रांति ही थी ये जो हमारी विचारधारा से उत्पन्न हुई थी। किसी विचारधारा का इसमें समावेश नहीं था, मूलतः उस विचारधारा की सरकार थी जिसके लिए हम वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। लेकिन परिवर्तन तो हो सकता है मित्रों, क्रांति तो संभव है, लेकिन वो लंबे समय तक कैसे चले, तो उसके तीन पहलू होते हैं। एक, उस क्रांति को करने वाले नेतृत्व पर जनता और कार्यकर्ता का अटूट विश्वास है। दूसरा, उसका कृतित्व ऐसा हो जो समाज के हित में हो, देश के हित में हो, जनता के हित में हो। और तीसरा, उसके पास कार्यकर्ताओं की एक ऐसी लंबी फौज हो जो नेतृत्व की खासियत और उनके कृतित्व के जो कार्य है उनके किए हुए जनहित के, उनको अंतिम छोर तक पहुंचाने की, एक उनका पैगाम पहुंचाने की ताकत रखता हो या जरूर रखता हो, तब वो क्रांति स्थायी बन जाती है और जनहित और राष्ट्रहित में होती है। ये सौभाग्य है हमारा कि हमारे पास बहुत ही सुंदर तरीके से माननीय मंत्री जी ने हम लोगों को 9 साल की जो काल है माननीय मोदी जी के, ऐसे कोरोना काल में इस देश को सुरक्षित रखा, लोगों को कैसे रोग से बचाया, लगभग देश के 80 करोड़ लोगों को, हमारे बीच में कायम के विधानसभा के विधायक सुभी गंगवार जी हम लोगों के बीच में आज भी है। मैं उनसे निवेदन करता हूँ वो आए और हमारे कार्यकर्ताओं को बदल दें। हमारे बीच में माननीय विधायक जी का स्वागत में अर्पित जी से निवेदन करता हूं आए और हमारे माननीय विधायक जी का स्वागत करें।
शिमला के लोकसभा से सांसद, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी का मैं इस नवाबगंज की धरती पे वंदन अभिनंदन करती हूँ। उन्हीं के साथ इस मंच